गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं सुजीत जायसवाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि अभी तक वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आया हुआ है और क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक तहलका मचाने वाला प्रोग्राम आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि पूरी की पूरी क्रिप्टो का इतिहास बदलने वाला है। उस प्रोजेक्ट का नाम है मिथर। आज हम मिथर के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं मिथर की, और मिथर के प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस किया जाए तो आप सब लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, टुडे वी विल इन्वेंशन द फ्यूचर टुगेदर। आज हम सब एक दूसरे के साथ फ्यूचर का इन्वेंशन करने वाले हैं और साथ ही साथ अपने और अपने फैमिली की लाइफ को एक अच्छे लेवल पे फिनेंशियली फ्रीडम दिलाने वाले हैं। अभी मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ, अबाउट द प्रेजेंटेशन। आज का जो प्रेजेंटेशन होने वाला है वो फैक्ट के बेस पे होने वाला है, ओपिनियन के बेस पे नहीं होने वाला है। आप सभी लोगों को पता है मार्केट में 90% सिर्फ ओपिनियन होती है, लोगों के राय होते हैं। जो फैक्ट होता है वो मात्र 10% होता है। तो यहाँ पर मैं जितनी भी बातें करने वाला हूँ वो सब के सब फैक्ट्स के ऊपर होंगे। राय हमेशा लोगों की बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, लेकिन फैक्ट कभी भी चेंज नहीं होता। जो सच्चाई है वो हमेशा सच्चाई रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आप यदि फैक्ट के ऊपर डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पे हैं। आज के डेट में देखो, हर कोई चाहता है कि अपने आप को मैक्सिमम गेन करें, उसके साथ साथ अपने आप को और अपनी फिनेंशियली फ्रीडम और अपनी फैमिली की फिनेंशियली फ्रीडम को मजबूत करें। उसके साथ साथ यहाँ पर हर कोई चाहता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो और हम उस पैसे को इंजॉय कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रिवॉल्यूशन ऑफ मनी, जैसे कि पैसे के लेन देन में चेंजेस कैसे हुए। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की बात की जाए तो सामान के बदले सामान का लेन देन करना। उसके बाद आया गोल्ड, गोल्ड के बाद आया मेटल कॉइन्स, मेटल कॉइन्स के बाद आया पेपर मनी जिसको हम नोट बोलते हैं। उसके साथ साथ आज के डेट में जो चल रहा है प्लास्टिक मनी चल रहा है, प्लास्टिक कार्ड्स चल रहे हैं जिसको हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी बोल के यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है, जैसे कि आज के डेट में हर किसी के मोबाइल में गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे, ये सब आता है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मनी है। उसके बाद क्या, उसके बाद जो आने वाला वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ही आएगा, ऐसा क्यों, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो है आपके बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे कि सबसे पहला बात करते हैं नो फ्रॉड। यहाँ पर फ्रॉड होने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई आइडेंटिटी चोरी ही नहीं कर सकता, नो आइडेंटिटी थेफ्ट। उसके बाद इमीडिएट सेटलमेंट, जैसे कि क्रिप्टो का सेटलमेंट होता है वो अभी तक किसी का सेटलमेंट नहीं होता। अब मान के चलिए इमीडिएट सेटलमेंट आपको अभी ज़रूरत है और मैंने आपको पेमेंट भेज दिया और वो दो दिन के बाद आपको रिसीव होता है तो वो किसी काम का नहीं। तो इमीडिएट सेटलमेंट होना चाहिए, उस वजह से क्रिप्टो लगेगा। एक्सेस टू एवरीवन, ये हर किसी के पास में होना चाहिए जिससे लोग लेन देन कर सकें। उसके साथ साथ लोअर फीस, जो फीस होती है आपकी वो भी एकदम ना के बराबर लगनी चाहिए। जस्ट एग्जांपल, आपके किसी भाई ने फ़ोन किया कि भाई आप मुझे 10,000 भेज दो, और आपने उनको 10,000 भेजने के लिए गए तो सामने वाला आपके 10,000 को ट्रांसफ़र करने के लिए 1,000 रुपये का चार्जेस मांगता है तो भी एक अलग तरीका है। लेकिन क्रिप्टो इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो मिनिमम फीस लगने वाली है, एकदम लोअर फीस, ना के बराबर। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हमने लगाए हुए हैं, बैंकिंग वर्सेस स्मार्टफोन्स। जो सबसे पहला बैंक ओपन हुआ था हमारे भारत में वो 1770 में ओपन हुआ था। उसके बाद जो फर्स्ट फ़ोन कॉल किया गया हुआ था वो 1995 में किया गया था।
लेकिन आज के डेट में देखा जाए टोटल बैंक अकाउंट होल्डर्स 2020 में 294.8 मिलियन यानी कि सीधा सीधा बात की जाए तो 30 करोड़ यूनिक अकाउंट होल्डर्स हैं। लेकिन इसी में हम स्मार्टफोन की बात करें तो स्मार्टफोन के जो होल्डर्स हैं वो 76 करोड़ लोग हैं। ये है टेक्नोलॉजी का कमाल, यानी जिस हिसाब से बैंकों में अकाउंट लोगों ने ओपन नहीं किया लेकिन उससे ज़्यादा लोगों ने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, फ़ोन को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से आज हमारे भारत की 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से 76 करोड़ लोगों के पास में स्मार्टफोन है। उसके बाद ये वर्ल्ड के बड़े बड़े दिग्गज हैं, बिजनेसमैन हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को लीड करते हैं। इसमें बिटकॉइन विल डू टू बैंक, व्हाट ईमेल लीड द पोस्टल इंडस्ट्री। बिटकॉइन आने वाले बैंकों का वही हाल करने वाला है जैसा कि ईमेल आने के बाद पोस्टल इंडस्ट्री का हश्र हुआ था। उसके साथ साथ ये हैं बिल गेट्स, द फ्यूचर ऑफ मनी इज डिजिटल करेंसी, एलन मस्क जो कि आज के डेट में एक बहुत बड़ा नाम है, हर कोई जानता है उसको, उनका स्टेटमेंट है पेपर मनी इज गोइंग अवे। उसके साथ साथ यहाँ पर एक भाई साहब ने दिया हुआ है चार्ल्स ली ने, क्रिप्टो करेंसी इज सच अ पावरफुल कॉन्सेप्ट दैट इट कैन ऑलमोस्ट ओवर टर्न गवर्नमेंट्स। क्रिप्टो करेंसी के अंदर इतनी पावर है कि वो गवर्नमेंट को भी ओवर टर्न कर सकती है। उसके साथ साथ ये हमारे भारत के एक्स कैप्टन रघुराम राजन सर हैं जिन्होंने वर्चुअल करेंसी के बारे में बोला हुआ है, वर्चुअल करेंसी विल बी पॉपुलर इन द फ्यूचर। उसके साथ साथ जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने क्रिप्टो करेंसी को लीगल घोषित कर दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं जापान की, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, फ्रांस, माल्टा, कनाडा, बेलरूस, हॉलैंड, वियतनाम, ये सारी कंट्री ने इसको लीगल टेंडर दे दिया हुआ है। ये हमारा भारत है, यहाँ पर अभी तक ना ही तो लीगल है ना ही तो इलीगल है, हम लेन देन कर सकते हैं और कर रहे हैं। उसके बाद ये इंडियंस आर स्पेंडिंग मिलियंस डेली ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, हमारे भारत में भी लोग मिलियंस यानी करोड़ों लोग ट्रेड करके भी पैसा कमा रहे हैं। क्वाइन डी सी एक्स, क्वाइन स्विच, यूनो क्वाइन, जेपे, वजीर एक्स, सिर्फ ये वजीर एक्स की बात करूँ दोस्तों तो इस वजीर एक्स ने अकेले 700 करोड़ का GST पे किया हमारे भारत सरकार को, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉकचेन इज़ मोर देन क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल से बताया गया हुआ है, ईमेल से इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट से ईमेल है। ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा बड़ा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और आज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके बाद ब्लॉकचेन आप सब लोगों का जो सॉल्यूशन लेके आया हुआ है सब जगहों पे ये एक्सेप्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिजिटल आईडीज, जैसे आज के डेट में हम सब लोगों का यूनिक आधार कार्ड नंबर है, ठीक उसी तरीके से ये नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल दोनों जगह पे यूज़ हो रहा है और एक्सेप्ट हो रहा है। आपको ये आने वाले टाइम में वोटिंग भी ब्लॉकचेन पे होगा, हेल्थ केयर भी ब्लॉकचेन पे होगा, यूट्यूब भी ब्लॉकचेन से चलेगा, और उसके साथ साथ बैंकिंग और जो कोर्ट होते हैं वो सभी चीज़ें ब्लॉकचेन पे आने वाली है, क्योंकि यहाँ से कोई भी चीज़ों का फ्रॉड नहीं हो सकता। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन रेडी हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोर्स कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिमांड हो रही है, जितने भी लोगों ने ब्लॉकचेन किया हुआ है वो सभी लोगों का डिमांड है आज के इस इंडस्ट्री में। उसके साथ साथ इंडस्ट्री भी रेडी हो चुकी है लोगों को ब्लॉकचेन का कोर्स कराने के लिए। ये हमारे भारत के 15 बैंकों ने मिलके अपना खुद का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाने का काम स्टार्टअप कर दिया है। साथ ही साथ ये रैपर हैं मिस्टर रफ्तार, ये भी आने वाले टाइम में बोलते हैं कि भाई आप मुझे जो पेमेंट लेन देन करना चाहें तो आप मेरी बुकिंग क्रिप्टो करेंसी दे के भी कर सकते हैं, मैं आके बाकायदा अच्छे से गाऊँगा, सब लोगों को इंटरटेन भी करूँगा। उसके साथ साथ ये आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप सब लोग डाल सकते हैं कि निर्मला सीतारमन ऑन बैटल फॉर साउथ या फिर निर्मला सीतारमन ऑन क्रिप्टो करेंसी, आप इतना डालेंगे तो आपको यूट्यूब पे इनका
ये वीडियो मिल जाएगा जिसको आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये सुब्रमण्यम स्वामी, इनका भी 22 मई का यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वीडियोस आप देख सकते हो। उसके साथ साथ ये हमारे भारत की नीति आयोग, ये आप देख रहे होंगे, जो कि डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करती है, उन्होंने भी एक हैकाथॉन किया था दिल्ली आईआईटी में, जिसमें ये सब वर्ल्ड के टॉप ब्रेन शामिल थे, जिसमें आप देख रहे होंगे जोसेफ लुबिन, डैनियल नोवी, कार्ल फ्लॉक्सर, ये सब। उसके साथ साथ हमारे भारत की जो रही वो कविता गुप्ता, तो ये सब लोगों ने दिल्ली के साथ में आईआईटी में पूरा का पूरा हैकाथॉन किया था। इसके साथ साथ हम इसके एडवांटेज या इसके फायदे कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम बिकम अ पार्ट ऑफ मिथर, हम एक मिथर का छोटा सा हिस्सा बन के बहुत बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। एन आइडिया ऑफ टूडे एंड ट्रेंड ऑफ टूमारो। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा दोस्तों कि कोई भी चीज़ सबसे पहले एक नई आइडिया होती है और आने वाले टाइम का ट्रेंड बन जाती है। जैसे कि आप सब लोगों को नाम पता होगा फेसबुक, वो सिर्फ एक आइडिया था और आज के डेट में ट्रेंड बन चुका है। होटल ओयो की बात करें, वो भी पहले एक आइडिया था, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है और आज के डेट में एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है। ओला, उबर, मैकडोनल्ड्स, ये सारी चीज़ों की बात करें तो ये सब एक आइडिया था जो कि ट्रेंड बन चुका है। और ठीक आज मिथर एक आइडिया है जो कि ट्रेंड बन रहा है। उसके बाद हम इसका प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, स्टिल द अवेयरनेस इज वेरी लो, इसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है ज़्यादातर। इसमें से 83% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें सिर्फ सुनी होती है, एग्जैक्टली क्या है उनको भी पता नहीं है, लेकिन सिर्फ सुनी होती है। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे ध्यान ना दें, आप इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लें। जैसे कि फैक्टर्स द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी, एक क्रिप्टो करेंसी को हम जीनियन किस तरीके से मान सकते हैं, तो सबसे पहला रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी की बात करें तो वो जीनियन सोर्स से आना चाहिए। जीनियन सोर्स, जैसे कि आपके जेब में 2000 का नोट पड़ा हुआ है और ठीक उसी तरीके का मैंने भी 2000 का नोट आपको छाप के कलर जेरोक्स मार के दे दिया तो चलने वाला नहीं है, वो इलीगल माना जाएगा, वो डुप्लीकेट नोट माना जाएगा क्योंकि मैं रिलायबल नहीं हूँ, लेकिन आरबीआई का वही नोट रिलायबल है, तो रिलायबल सोर्स से आना चाहिए। उसके साथ साथ यूजेबिलिटी, उस क्रिप्टो के यूज़ केस भी होने चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। साथ ही साथ अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी की बात करें, जैसे क्रिप्टो में सबसे पहला नाम आया था बिटकॉइन, आज की डेट में बिटकॉइन वाली गाड़ी सबकी छूट चुकी है, वो कुछ चंद लोगों के पास ही अवेलेबल है, हर किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबिलिटी भी ईजी वे में होना चाहिए। स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि मैंने अभी भेजा और अभी का अभी वो सेटल भी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने अभी भेजा तो उसके लिए 4 घंटा 10 घंटा 2 दिन लग रहा है तो वो मज़ा नहीं है, ये तुरंत का तुरंत सेटल भी होना चाहिए। एक्सचेंजबिलिटी, मतलब जब आप चाहो आप इस क्रिप्टो को अपने फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर लो और जब चाहो तब फिएट करेंसी से आप क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लो, ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और चाहे किसी भी क्रिप्टो कॉइन की बात कर लें। उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस, यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट होनी चाहिए, लोग इसको खुद एक्सेप्ट करने के लिए रेडी खड़े होने चाहिए। तो हम बात करते हैं ऐसे क्रिप्टो की, मिथर एम कॉइन, इसको जो चलाने वाले हैं, फाउंडर्स हैं इनके, वो हैं मिस्टर एंड्रीस बिजोनिक, मिस्टर मोहम्मद करासू एंड मिस्टर निक, ऑलरेडी volumex.io के फाउंडर हैं और इन्होंने एक नया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसका नाम है एम कॉइन। उसके साथ साथ क्लिंक मीडिया वर्क्स, ये हमारे साथ इनका एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है, ये रोबोटिक और ऑटोमेशन के ऊपर काम करते हैं। मैजिक बॉक्स, यहाँ पर इन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं कि आप उनको फिजिकल लेके भी ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। जैसे कि नॉर्मल मैजिक बॉक्स की बात करूं तो इस बॉक्स से आप आपके नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसी से वाईफाई का काम ले सकते हो, आप इसी से आप गेम भी खेल सकते हो, आप इसी से कंप्यूटर चला सकते हो। साथ ही साथ एक किट आता है, आप वो किट खरीद के 33 बॉडी टेस्ट घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। साथ ही साथ 50 प्लस ऐसे चैनल से जिस पे आप सामने डायरेक्ट डॉक्टर से लाइव कंसल्टेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिथर यहाँ पर आप सब लोगों को क्या क्या ऑफर कर रहा है।
सबसे पहले मिथर के यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बढ़ते बढ़ते एम क्वाइन का भाव बढ़ने वाला है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है दोस्तों, कोई भी कंपनी आती है, हम एग्जांपल की बात करते हैं टाटा। टाटा के वैसे ऑलरेडी हज़ारों बिजनेस है, लेकिन उनको कोई भी और नया बिजनेस स्टार्टअप करना होता तो कोई भी एक नया कंपनी बनाते हैं और उसके कुछ शेयर लॉन्च कर देते हैं मार्केट में। लोग क्या करते हैं, उस शेयर को ख़रीदते हैं, 2 साल 5 साल होल्ड करते हैं। 2 साल 5 साल में उनके जो शेयर की कीमत होती है, आज उन्होंने 2 लाख रुपये लगाए तो उस 2 लाख के 5 साल के बाद की कीमत की बात करें तो हो सकता है 5 लाख भी हो जाए, 10 लाख भी हो जाए, 50 लाख भी हो जाए। डिपेंड करता है कि उनका टाटा का प्रोजेक्ट, वो वाला प्रोजेक्ट किस लेवल पे चला, उसका किस हिसाब से प्रॉफिट हुआ। ठीक इसी तरीके से मिथर के इतने सारे प्रोजेक्ट हैं कि इनके सिर्फ कुछ चीज़ें हिट हो जाए, और वो हिट हो रही है और हिट होंगी क्योंकि ये सब फ्यूचर के प्रोडक्ट्स हैं, हिट होने की वजह से एम क्वाइन का जो भाव है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ ई लर्निंग ऐप, जैसे आपके पास बायजूस यूज़ करते हो, वाइट हेड जूनियर यूज़ करते हो, ठीक इसी तरीके से हमारा ई लर्निंग ऐप आ रहा है। ऑनलाइन मीटिंग जैसे हम जूम के ऊपर करते हैं, गूगल मीट के ऊपर करते हैं, उसी तरीके से आप इसके ऊपर भी मीटिंग कर सकते हो, एम चैनल के ऊपर। डिजिटल एड जस्ट लाइक यूट्यूब, फेसबुक, गूगल एडसेंस, इस तरीके से हमारा डिजिटल एडवर्टाइज का भी सिस्टम आ रहा है। आप यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइज देख के भी पैसा कमा सकते हो और कोई भी एडवर्टाइज करवा के भी और करके, दोनों तरीके से आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ई कॉमर्स जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, मिंत्रा, अलीबाबा, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो आप हमारे ई कॉमर्स पे शॉपिंग करके भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वंडर मॉल हमारे वेबसाइट का नाम है, आप यहाँ से शॉपिंग करिए, 5 लाख प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल है। यहाँ पर पेमेंट के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इंडियन मनी INR में पेमेंट कर सकते हैं और क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने INR में पेमेंट किया, आपको 5% का ऑफ मिला, डिस्काउंट मिला। आपने क्रिप्टो में पे किया, आपको 5% की जगह 8% का ऑफ मिला, डिस्काउंट मिला। यदि यही चीज़ें आप एम क्वाइन में पे करते हो तो आपको 20 से 50% तक के डिस्काउंट मिलने के चांसेस हैं। अब एम क्वाइन को लोग यूज़ करेंगे, खरीदेंगे थोड़ा बहुत, जैसे कि 10,000 का आपने एम क्वाइन खरीद लिया और 8,000 का शॉपिंग कर लिया तो 2,000 आपके पास में पड़ा रह गया, उसका कभी भी आप शॉपिंग कर सकते हो या 2,000 को आप वापस से आपके बैंक अकाउंट में ले सकते हो। लेकिन यदि आपने होल्ड रखा तो उसकी वैल्यू और बढ़ने वाली है। उसके साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, ये सब OTT प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के ऊपर अपने को कोई भी वेब सीरीज़ या मूवी देखनी है तो अपने को पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है जूलो, ZULO, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो वर्किंग चल रही है, फिलहाल ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी मूवी देखने के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी नई वेब सीरीज़ या मूवी देखते हैं तो आपको देखने का पैसा मिलता है। उसके साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग जैसे कि ड्रीम इलेवन, MPL, तीन पत्ती, लूडो, इस तरीके से कंपनी फैंटसी स्पोर्ट्स भी देने वाली है। आप कोई भी गेम खेल के पैसा विन कर सकते हो। साथ ही साथ ब्लॉकचेन सपोर्ट टू अदर पीपल, आप यहाँ पर आके ब्लॉकचेन पे खुद का भी कोई भी क्वाइन और कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो दोस्तों। तो ये सारी फैसिलिटी मिथर दे रहा है आपको, जिससे क्या होगा कि हमारे एम क्वाइन के प्राइस में बूस्ट आने वाला है, प्राइस में एकदम राइज होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एम क्वाइन की प्राइस ये सब प्रोजेक्ट की वजह से बढ़ने वाली है। मिथर क्रिप्टो प्रोडक्ट्स जो लाया हुआ है, वो लाया हुआ मिथर ब्लॉकचेन, जिनकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड की बात की जाए तो 2 लाख से 3 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, जो कि वर्ल्ड का अभी तक का सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी है। इनकी सप्लाई की बात करें तो मात्र 1 बिलियन यानी 100 करोड़ है, इसमें से 40 करोड़ प्री माइनस, 60% माइनेबल है, जो कि 20 साल में आने वाले माइनिंग होके आएगा। साथ ही साथ TradeBridge.io इनका अपना खुद का ऑन एक्सचेंज है, और यम क्वाइन ऑलरेडी 3 एक्सचेंज पर लिस्टेड है, earthbit.com, BioCoin.com
और windex.com, ये तीनों के ऊपर बकायदा ट्रेड हो रहा है, आप वहाँ से भी लेन देन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एम कॉइन को मिथर पे वॉलेट एम कॉइन वॉलेट में होल्ड कर सकते हैं। आप इस एम कॉइन वॉलेट को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एम कॉइन को मेटा मास्क में भी होल्ड करके रख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के ऊपर बनाया हुआ टेक्नोलॉजी है। इस ब्लॉकचेन के ऊपर आप कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और खुद का कॉइन और टोकन बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, लिस्टेड विंडेक्स, अर्थबीट, उसके बाद जो आने वाला है बायो कॉइन पर ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है tradebridge.io, और बहुत से ऐसे एक्सचेंज है जिसके ऊपर ये आपको ट्रेड होते हुए मिलने वाला है। साथ ही साथ जल्द ही हम CMC के ऊपर भी आने वाले हैं। आप यहाँ पर चार तरीका है स्टार्टअप करने के लिए, ब्लॉकचेन का स्टार्टअप कर सकते हैं, मिथर प्रो फिक्स प्लान ले सकते हैं, लाइट एंड रोबोट ट्रेडिंग कर सकते हैं, और एमकॉइन का स्टेकिंग प्लान ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सब लोग देख रहे होंगे, ट्रायल पैक $30 से स्टार्टअप होता है। $30 में आपको 150% के वैल्यू का कॉइन मिल जाता है, जो कि 365 दिन में आपको रिसीव होता है। बिगिनर पैक की बात करें तो $90 से लेकर $900, यहाँ पर भी आपको 150% का स्टेकिंग मिलता है 730 दिन के लिए। उसके बाद जो प्रोफेशनल पैक है, यहाँ पर $2700 से लेकर $5400 तक के पैकेजेस पे, यहाँ पर 175% कंपनी आपको ऑफर करती है। लेकिन यदि आप जल्द ही अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों को 200% का भी ऑफर कभी कभी आ जाता है। और इस टाइम पे आप आते हैं तो आपको ये $2700 से लेके $5400 वाले पैकेजेस पे आपको 200% का ऑप्शन है, जो कि 730 दिन में रिसीव होता है। ठीक इसी तरीके से बिजनेस पैक है, जो कि $10,800 और $27,000 के पैकेजेस हैं, यहाँ पर भी आपको 200% यानी पहले दिन ही दोगुना मिल जाता है, जो कि 730 दिन में रिसीव होता है। यानी एम कॉइन हमेशा आपको प्रॉफिट देने वाला है। हाउ वर्क स्टेकिंग सिस्टम, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर $30 से। तो जो ट्रायल पैक है वो आपका $30 से ट्रायल पैक लगता है, और जो कि 360 कॉइन आपको मान के चलिए एग्जांपल के लिए मिला तो 150% हो गया, 365 दिन में आपको 0.98 रिसीव होता है डेली बेस पे। उसके बाद यहाँ पर आपको $90, जैसे कि आपने लिया, आपको 720 कॉइन अलॉट हुआ, $135 के वैल्यू का कॉइन मिल जाता है, जो कि 1.47 आपको डेली बेस पे रिसीव होता है। प्रोफेशनल पैक मान के चलिए आपने 5400 दिया तो आपको 43,000 कॉइन रिसीव होता है, जो कि डॉलर की बात करें यहाँ पर वैल्यू में तो $9,450 यानी 2x वैल्यू का आपको कॉइन मिलता है। मिलना यदि आप एक्सचेंज से लेते हैं तो आपको 5400 में 43,000 मिलता है, लेकिन आप यही कॉइन स्टेक करते हैं तो आपको 75,600 हो जाता है। $27,000 वाले में 216,000 मिलता है, लेकिन आप स्टेक करते हैं तो 432,000 मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम हमारे पैसे को तुरंत का तुरंत भी डबल कर लेते हैं। उसके बाद यदि हम हमारे 10,000 को एम कॉइन में नहीं लगाते हैं और सिर्फ रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये अलग अलग सिनेरियो बताया गया हुआ है। एग्जांपल के लिए $120 यानी हम ₹10,000 की बात करते हैं, यदि आपने ₹10,000 एम कॉइन में नहीं लगाया तो आप क्या करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में रखेंगे। बैंक अकाउंट में रखेंगे सेविंग अकाउंट में तो 2 साल के बाद में आपका 10,600 होने वाला है, फिक्स डिपॉजिट में 11,200, म्यूचुअल फंड में 12,100। लेकिन यही चीज़ें आपने एम कॉइन में रख दिया और एम कॉइन का भाव कुछ भी नहीं बढ़ा तो भी आपका पैसा 1.5 गुना है यानी 15,000 है, लेकिन एम कॉइन का भाव सिर्फ डबल हुआ तो आपका वही 10,000 सीधा 30,000 में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ डबल की बात कर रहा हूँ, यदि ये $1 हो गया तो आपका 10,000 लाख में कन्वर्ट हो सकता है, यही $10 हो गया तो आपका 10,000 5 लाख में भी कन्वर्ट हो सकता है। यदि यही एक कॉइन $100 में सिर्फ रेट बढ़ गया तो आपका सिर्फ 10,000 लगाया हुआ 50 लाख में भी तब्दील हो सकता है, और जितने लोगों ने यहाँ पर आया हुआ है सबने 6 गुना 7 गुना का प्रॉफिट लिया हुआ है। ये एक एग्जांपल बताया गया हुआ है, 17 फरवरी को $120 की आईडी लगी थी, और आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर बकायदा 20 जून को
सिर्फ 4 महीने में $126 रिसीव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो इनकम है वो है इंट्रोडक्शन बोनस। जैसे कि आप आते हैं, आप यहाँ पर किसी को भी ट्रायल पैक से इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका सीधा 50% $30 का 50% यानी $15 इंट्रोडक्शन बोनस आपको मिलता है। आप जितना चाहें उतना डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने 6 लोगों को डायरेक्ट कर दिया $30 से तो सीधा $90 आता है। आप उसी $90 से आप अपने आप को अपग्रेड करके और आगे का भी इनकम ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए एडवाइजरी बोनस, आपने पहले लेवल पे 3 किया तो 3 से आपको $45 मिला, फिर सेकेंड लेवल पे $1 मिला $9। इस तरीके से आप सिर्फ 9 लेवल की बात करें तो आप यहाँ पर 30 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो आपने पहले महीने में सिर्फ 3 किया, दूसरे महीने में वो 3 से 3 3 करवाए, तीसरे महीने में वो 9 ने 3 3 किया। इस तरीके से सिर्फ आपने 1 महीने में भी 1 लेवल अचीव किया तो भी 9 महीने में आपका 9 लेवल अचीव होता है और आप 30 लाख रुपये कमा सकते हैं नॉर्मल सिर्फ $30 का पैक लगवा के। इसी में यदि आपने 120 लगवा दिया, 900 लगवा दिया, 2700 लगवा दिया, 27,000 लगवा दिया तो आप ये मान के चलो कि आपका एक बहुत बड़ा इनकम हो रहा है। उसके बाद डायरेक्ट इनकम एंड रेसिड्यूल बोनस। उसके बाद आप किसी को भी, जितने लोगों को भी डायरेक्ट लगाया हुआ आपने, उसके ट्रायल पैक पे 50% तो मिलता है और वो जब जब अपने आप को अपग्रेड करता है तब तब आपको 10% इंस्टेंट मिलता है। उसके बाद 1% से लेके आपको यहाँ पर वापस 1%, पहले लेवल से 1%, दूसरे लेवल से 1.5%, इस तरीके से आप सब लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जितने भी लोग जितना ROI कमाते हैं और वो जितने ही डेप्थ में होते हैं उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है। पहले लेवल से 1%, दूसरे से 1.5%, तीसरे से 2%, चौथे से 2.5%, तीसरे 5वें से 3%, इस तरीके से आप 9 लेवल तक ले सकते हैं यदि आपका पैकेज $90 से $900 के बीच का है तो। लेकिन यदि आपने अपने आप को $2700 से अपग्रेड कर लिया और 27,000 के बीच में आपका पैकेज रहा तो यही इनकम आप 18 लेवल तक ले सकते हो, जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इनकम होता है। मैं मान के चलता हूँ कि मान के चलिए सिर्फ 100 करोड़ का बिजनेस गया हमारे पूरे टीम से, तो उस 100 करोड़ का लोग 10 से 25% कमाते हैं। मैं सिर्फ 10% पकड़ूँ तो होता है 10 करोड़। 10 करोड़ का 25% होता है 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ इंटू 24 मंथ्स किया जाए तो ये कम से कम आपका जो इनकम होता है लगभग 60 करोड़ का सिर्फ रॉयल्टी मिलता है आपको, जबकि सिर्फ 100 करोड़ का ही बिजनेस गया हुआ है जिसमें से 60 करोड़ आपको सिर्फ रॉयल्टी के रूप में मिलती है। तो ये इनकम दिखने के लिए छोटा है लेकिन ये है बहुत बड़ा इनकम, जिसको हम डायरेक्ट इनकम के बाद रेसिड्यूल बोनस या फिर रॉयल्टी भी बोल सकते हैं। उसके बाद इनकम कैलकुलेशन, $120 का हाइपोथिकल एग्जांपल दिया गया हुआ है। पहले लेवल पर आप 3 को करते हो, 3 ने 3 3 को किया तो सिर्फ 7 लेवल तक भी ये इनकम जाता है तो आप $3,936 मतलब $3, $12, $48 इस तरीके से $3,936। उसके बाद $4,810 इस तरीके से आप ले सकते हैं और 29,188 कॉइन भी आपको मिलता है। ये सिर्फ $120 के 3 पैकेजेस लगाने का नतीजा है। आपने पहले लेवल में सिर्फ 1 महीने में 1 लेवल अचीव किया तो भी 7 महीने में 7 लेवल होता है और 7 महीने की टोटल इनकम की बात करूं तो आप कम से कम 50 लाख का इनकम ले सकते हैं सिर्फ $120 के 3 पैकेज लगा के 1 महीने में। उसके बाद है टीम बिल्डिंग बोनस। टीम बिल्डिंग बोनस के लिए यहाँ पर रैंक होता है, फिर बिजनेस वॉल्यूम होता है, फिर आपका परसेंटेज होता है, साथ ही साथ हमारे टीम के डाउनलाइन का स्ट्रक्चर होना चाहिए या ये कहें कि हमारे टीम में लोगों को अचीवर्स भी बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले रैंक है जो एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बनने के लिए हमारे नीचे जैसे ही $1,500 का बिजनेस आया हम एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। उसके बाद जो भी बिजनेस आएगा पूरे टीम से, उस टीम के पूरे बिजनेस का 5% मिलेगा मुझे, लेकिन वो पूरा बिजनेस यदि मेरा डायरेक्ट होता है तो 15%, टीम से आया तो 5%। उसके बाद आप बनते हो सीनियर एग्जीक्यूटिव, टोटल $5,000, 7% का आपका कमीशन रैंक हो जाता है। यहाँ पर 2 एग्जीक्यूटिव चाहिए आपके डिफरेंट लेग में, आपका डायरेक्ट वाला ही बंदा बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपके एक लेग के टीम में कोई भी बंदा बन जाएगा तो भी चलेगा।
उसके साथ साथ यहाँ पर रैंक रिवॉर्ड भी दे दिया हुआ है कंपनी ने आपके सामने, ये आपको एक्स्ट्रा है, $200 आपको इंस्टेंट मिलता है। उसके बाद आप बनते हो मैनेजर, मैनेजर बनने के लिए $15,000, 9% का रैंक होता है आपका। यहाँ पर 3 लेग चलना चाहिए दोस्तों, ये जनरेशन प्लान है और जनरेशन प्लान की कैपेसिटी आप सब लोगों को पता है वो कभी बंद नहीं होता, 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव और 1 एग्जीक्यूटिव, 3 डिफरेंट लेग में $600 का इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, प्लस 9% का कमीशन मिलते रहता है जितना भी बिजनेस आते रहता है आपके टीम में। उसके बाद आप बनते हो सीनियर मैनेजर, $40,000 का वॉल्यूम, 11% का रैंक, 2 मैनेजर और 1 सीनियर एग्जीक्यूटिव, 3 डिफरेंट लेग में, और यहाँ पर आपको $1,000 का रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद आप बनते हो डायमंड, $75,000 का टोटल बिजनेस वॉल्यूम, ये 40,000 हो गया, नया सिर्फ 35,000 ही चाहिए, ये नेक्स्ट नहीं एक्यूमुलेटिव है बिजनेस, ये जुड़ते हुए क्रम में है। 13% का रैंक, 2 सीनियर मैनेजर और 1 मैनेजर, $4,000 रिवॉर्ड। ब्लू डायमंड के लिए $200,000, 15% का रैंक, 2 डायमंड और 1 सीनियर मैनेजर, 3 डिफरेंट लेग में, $10,000 का आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड भी मिलता है। उसके बाद आप डायरेक्टर बनते हो $5,00,000, यहाँ पर 2-2% का डिफरेंट था लेकिन यहाँ पर सीधा 3% का डिफरेंट है, और यहाँ पर 2 ब्लू डायमंड और 1 डायमंड, $25,000 का आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, प्लस 18% का रैंक भी मिलता है आपको। उसके बाद आप प्रेसिडेंट बनते हैं, $10,00,000, 21% का रैंक, सिर्फ अब यहाँ से 2 ही लेग चलेगा तो भी आप क्वालिफाई होते हो, 2 डायरेक्टर और यहाँ पर आपको मिलता है $50,000 का रिवॉर्ड BMW के लिए। उसके बाद एम्बेसडर, 5 मिलियन यानी $50,00,000 का बिजनेस, 23% का रैंक, सिर्फ 2 प्रेसिडेंट आपके डिफरेंट लेग में, और यहाँ पर $1,50,000 का रिवॉर्ड मिलता है आपको। लास्ट जो है रैंक क्राउन एम्बेसडर, 10 मिलियन, 25% का रैंक, 2 एम्बेसडर आपके डिफरेंट लेग में, $3,00,000 का रिवॉर्ड मिलता है रोल्स रॉयस के लिए। ये एक एग्जांपल है, आपने सिर्फ 3 लोगों को किया और 3 ने 3-3 को किया और ये 6 लेवल तक ही गया, तो यहाँ पर जो आपको मिलता है इनकम ROI इन डॉलर 16,402, यहीं क्वाइन में भी आप लेते हैं तो 157,000 क्वाइंस में मिलता है, बाकी ऊपर 6,561, 1,822, इस तरीके से आपको इनकम मिलते रहता है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात करें तो टाइम टू टाइम बोनांजा और कैश रिवॉर्ड देती है कंपनी। यहाँ से मैं खुद इस प्रोजेक्ट्स में इंडिया का पहला ऐसा बंदा हूँ जिन्होंने पहले कार अचीव किया हुआ है, मैं खुद इस प्रोजेक्ट से फर्स्ट कार अचीवर हूँ दोस्तों। उसके साथ साथ यहाँ पर पेमेंट का जो ऑप्शन है, आप यहाँ पर पेमेंट का लेन देन बिटकॉइन, इथेरियम और आने वाले कुछ टाइम में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी लेन देन कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये कुछ डिस्क्लेमर्स हैं, और यहाँ पर ये हमारे कंपनी के ऑफिसेस हैं, ग्लोबल रीच हैं, इनके 3 ऑफिसेस हैं, एक है हांगकांग, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है एस्टोनिया, ये 3 ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहीं पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ये कुछ अचीवर्स हैं और कंप्लीट।